हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हम 23 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। तो 22 अक्टूबर को जो कुछ भी घटा हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि मोल दिवस, मोल डे किस दिन मनाया जाता है। ये मोल केमिस्ट्री वाला मोल है, जो केमिस्ट्री में हम लोग मोल पढ़ते थे ना, एक मोल का इतना मास होता है, वो वाला मोल है। तो अक्टूबर 20, अक्टूबर 21, अक्टूबर 22 एंड अक्टूबर 23। तो इसका जवाब हम देखेंगे। उसके पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में भी है। आप AMANTRIVEDI अमन त्रिवेदी आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी मिल जाएगा अगर आप डबल आई कर देंगे तो। तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको PDF मिलेगा। तो इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलता है, थोड़ा सा लेट मिलता है। लेट मैं इसलिए देता हूँ कि पहले आप लोग वीडियो देख लें, उसके बाद हम लोग PDF मैं प्रोवाइड करा देता हूँ शाम तक, ठीक है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे PDF मिलेगा। और मोल दिवस मनाया जाता है, जैसा हमने कहा कि मोल दिवस इज 23rd अक्टूबर, ठीक है। मोल दिवस कब है, मोल डे आपका कब है, 23rd अक्टूबर। बाकी डे हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं, PDF में सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। ये तिल दिवस नहीं, यहाँ पे मोल डे होगा। मोल जो मैंने बताया आपको, ये केमिस्ट्री वाला मोल है। 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन एवोगाड्रो की संख्या को याद करता है, जो रसायन विज्ञान में एक बुनियादी मापक इकाई है। यह दिन रसायन विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा 22 अक्टूबर को होता है हमारा इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, यानी कि जो लोग हकलाने से रिलेटेड समस्या जिनको होती है, तो स्पीक द चेंज यू विश टू सी, तो उससे ये इसकी थीम है। और इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे है, जो कई बार लोग हकलाने लगते हैं, तुतलाने लगते हैं, उस सारी की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए ये दिवस मनाया गया है। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, GR चिंतला, सहदेव यादव, आलोक मिश्रा या फिर कोमोडोर PK गर्ग। तो इसका जवाब है आपका कोमोडोर PK गर्ग। GR चिंतला जो है नाबार्ड की चेयरमैन है, सहदेव यादव इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के हैं और आलोक मिश्रा को भी हम आगे देखेंगे। कोमोडोर PK गर्ग ये आपके भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने मिशन ओलंपिक पोडियम, यानी पोडियम फिनिश करने की ये मिशन प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया था, कि बैठक में कोमोडोर PK गर्ग को लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना का मुख्य अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। वो 1984 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे और 34 वर्षों तक सेवा में कई महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित कार्यों के प्रभारी थे। कोमोडोर गर्ग जो जून 2021 तक भारतीय खेल प्राधिकरण के उच्च महामद प्रदर्शन निदेशक थे, सेलिंग में अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी हैं। उन्होंने 1993-94 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी जीता है। तो ये पुराने एथलीट रहे, पूर्व एथलीट के रूप में सेलिंग इवेंट में एशियाई में इन्होंने मेडल्स जीते हुए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1984 में और ये जो SAI है, भारतीय खेल प्राधिकरण, ये आता है मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत और वो मिनिस्टर है हमारे श्री अनुराग ठाकुर जी, ठीक है। तो ये आपका इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगला क्वेश्चन, इसके अलावा आलोक मिश्रा का नाम हमने पढ़ा था, तो आलोक मिश्रा जो है वो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के MD बन गए हैं, ठीक है। इंडिया पोर्ट्स, आलोक मिश्रा इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए MD बन गए हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कप्तान आलोक मिश्रा को इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वह वर्तमान में गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में संचालन और परिवर्तन नेतृत्व के मुख्य के प्रमुख रूप में कार्यरत हैं। आलोक मिश्रा को 5 साल की अवधि के लिए पूर्णकालिक भूमिका के लिए नियुक्त किया गया है। आलोक मिश्रा डिलीवरी कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की CMD हरजीत कौर जोशी की जगह लेंगे, जिन्होंने IPGL MD के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला था। तो आलोक मिश्रा इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए MD बने हैं। इसके अलावा बारबाडोस का पहला राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया, तो बारबाडोस ने पहली बार अपना राष्ट्रपति नियुक्त किया है और उनका नाम क्या है, डेम सैंड्रा मैसन, जॉनस गार्ड, निचला भूदान या फूमियो किशिडा। तो हम लोग पहले भी जॉनस गार्ड का नाम पढ़ चुके हैं, नॉर्वे के PM हैं, और निचला भूदान ट्यूनिशिया की PM हैं, फ्यूमिया किशिडा जापान के PM हैं, और डेम सैंड्रा मैसन जो हैं आपके बारबाडोस के पहली राष्ट्रपति बने हैं। बारबाडोस जो है 1966 में आज़ाद हो गया था यूनाइटेड किंगडम से, लेकिन उसके बाद भी वो मोनार्की को एक्सेप्ट करता रहा और जो एलिजाबेथ सेकेंड हैं उन्हीं को ही वो अपना एक तरीके से मोनार्क मानता रहा, राजा मानता रहा। और अभी उन्होंने मोनार्क सिस्टम से बाहर आ गए हैं और अभी वो रिपब्लिक बन गए और अब उन्होंने पहला प्रेसिडेंट नियुक्त किया और पहली प्रेसिडेंट ही एक फीमेल है, महिला प्रेसिडेंट है। तो डेम सैंड्रा मैसन जो हैं आपकी पहली बारबाडोस की PM है, ठीक है। बारबाडोस है कहाँ पर, कल हमने मैप में देखा था कोलंबिया, हमने देखा था कल मैप में, और वहीं से कोलंबिया के बगल में वेनेजुएला हमने भी देखा था, वेनेजुएला के ही
ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो है, ग्रेनाडा है, ये डोमिनिका रिपब्लिक है, एंटीगुआ है, यहाँ पे पोर्टो रिको है, तो यहाँ पर आपका ये बारबाडोज है। और अगर इसका आप बड़ा करके देखेंगे तो ये आपका बारबाडोज का मैप हो जाता है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं ये सारे, इन सभी देशों को कैरिबियाई देश कहा जाता है। कैरिबियाई देश अगर आप जानते हैं, आप हम लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में आप एक टीम देखते हैं वेस्ट इंडीज, काफी बढ़िया खिलाड़ी होते हैं वहां के। तो वेस्ट इंडीज जो देश है, वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है बेसिकली, वेस्ट इंडीज जो है ये जो हम यहाँ पर जितने सारे आइलैंड्स हैं, इन सभी आइलैंड्स के समूह को ही वेस्ट इंडीज के नाम से खेलते हैं। यहाँ पर कई सारे, जमैका है आपका, ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो है, इन सारे देशों के जो समूह को मिला के एक क्रिकेट का समूह बना दिया गया है जिसे वेस्ट इंडीज कहा जाता है। तो अगर आप, जो लोग क्रिकेट में अधिक रुचि रखते होंगे वो जानते होंगे कि जैसे गेल हैं वो शायद जकार्ता से हैं, और आपके किरण पुलाड भी उन्हीं किसी देशों से हैं, जकार्ता या फिर त्रिनिदाद एंड टोबैगो से हैं, जमैका से हैं, तो कई बार जमैकन खिलाड़ी आप सुनते होंगे, तो जमैका अलग अलग, शायद गेल जमैकन प्लेयर हैं, तो अलग अलग देशों से हैं वो सारे लोग, और वो एक क्रिकेट संघ के लिए खेलते हैं और इसीलिए वो वेस्ट इंडीज़ के नाम से कहते हैं। और इन्हें वेस्ट इंडीज़ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी कहानी है। वेस्ट इंडीज़ इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आपका, जब इन्होंने, इनकी खोज हुई, जब अमेरिका की खोज की गई थी, तो उसके बाद ये कहा गया कि तो एक्चुअली में भारत की खोज के लिए निकले थे, ठीक है, भारत की खोज के लिए निकले थे आपके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो भारत की खोज के लिए निकले थे, और वो निकले भारत की खोज के लिए थे, लेकिन उन्हें वो अमेरिका मिल गया था बेसिकली। तो हुआ ये कि जब उन्हें इन द्वीपों पर वो पहुंचे थे, तो उन्हें कहा गया कि उन्हें लगा कि ये इंडिया है, बट एक्चुअली में वो इंडिया नहीं था, तो उन्हें लगा कि ये भारत का पश्चिम में है हम, तो इसलिए उन्होंने इन द्वीपों को वेस्ट इंडीज कहा था, और इसीलिए इस देश को हम वेस्ट इंडीज कहते हैं। तो वेस्ट इंडीज इट्स नॉट अ कंट्री, वेस्ट इंडीज इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बेसिकली, ठीक है। चलिए, तो बारबाडोस ने पहला अपना राष्ट्रपति चुना है क्योंकि महारानी एलिजाबेथ को राज्य के प्रमुख के रूप में हटाकर एक गणतंत्र बनाने की तैयारी करता है। 72 वर्षीय डेम सैंड्रा मेसन 30 नवंबर को शपथ लेने के लिए तैयार है, जो ब्रिटेन की से देश की आजादी की 55वीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगा। बारबाडोस कोर्ट ऑफ अपील्स में सेवा देने वाली पहली महिला डेम सैंड्रा 2018 से गवर्नर जनरल हैं। ऐतिहासिक चुनाव विधानसभा में सीनेट के संयुक्त सत्र के बाद हुआ, वोट को राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण क्षण के रूप में वर्णित किया गया। लगभग 285,000 की आबादी के साथ बारबाडोस सबसे अधिक आबादी वाले समृद्ध कैरिबियाई द्वीपों में से एक है। एक बार चीनी निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर होने के कारण इसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन और वित्त में विविधतापूर्ण हो गई है। बारबाडोस कैरिबियन में गणतंत्र बनाने वाला पहला ब्रिटिश उपनिवेश नहीं होगा। इसके पहले गुयाना ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के 4 साल से भी कम समय बाद 1970 में ही यह कदम उठाया था, और त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने 1976 में, डोमिनिका रिपब्लिक ने 1978 में इसका अनुसरण किया था, और जो बारबाडोस है वो 1966 में आज़ाद हुआ है। बारबाडोस के प्रधानमंत्री का नाम है मिया मोटली, और बारबाडोस की राजधानी है ब्रिजटाउन। बारबाडोस की करेंसी है बारबाडोस डॉलर, और बारबाडोस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में गिना जाता है। चलिए, वीर सावरकर, द मैन हु कैन, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, ठीक है, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, इस किताब के लेखक कौन है? दिव्या दत्ता, साफे किदवई, अमिताभ घोष, या उदय महुरकर एंड चिरायु पंडित? तो इसके लेखक हैं उदय महुरकर एंड चिरायु पंडित। आपको याद होगा इस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसका अनावरण किया था, शाफे किदवई ने सर सैयद अहमद खान पे किताब लिखी है, अमिताभ घोष ने द नेटमैक्स कर्स लिखी है, और दिव्या दत्ता ने स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटेंड माई लाइफ किताब इन्होंने लिखी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में उदय माहूरकर और चिरायु पंडित द्वारा लिखी गई किताब वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन का विमोचन किया। मंत्री राजनाथ सिंह ने सावरकर को भारतीय इतिहास का प्रतीक बताया, और ऐसे कैसे राष्ट्र के लिए उनके योगदान का भी वर्णन किया जिस पर अभी तक विचार नहीं किया गया था, और महान नेता सावरकर पर समय समय पर लंबे विवादों को उजागर किया। इसके बाद वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या रहा है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 101, 40वां, 79th या 71st? तो हंगर इंडेक्स में 17 हमारा 41st रहा है, पेंशन की इंडेक्स में 40th रहा है, और
फूड सिक्योरिटी में 71st रहा है और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 79th रहा है भारत का रैंक। तो कुल 139 देशों ने पार्टिसिपेट किया जिसमें से 79th स्थान पर भारत है। WJP नियम कानून सूचकांक 2021 देशों में को 0 से 1 तक के स्कोर पर आधारित रैंक करता है जिसमें से 1 सबसे मजबूत पालन का संकेत देता है। कानून का नियम डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड विश्व न्याय परियोजना के नियम सूचकांक 2021 में शीर्ष पर हैं। तो आप कोई भी रैंकिंग उठा के देख लो, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड ज़्यादातर यही टॉप पे रहते हैं। तो फर्स्ट रैंक है डेनमार्क की, सेकंड नॉर्वे, थर्ड फिनलैंड, इंडिया है 79th पे, 139 पे वेनेजुएला है, 138 पे कंबोडिया और 137 पे कॉन्गो रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसके अलावा हमने कई सारे इंडेक्स पढ़ी हैं, उनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में हम 121st पे हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 139th, और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में ये मिसिंग है 40th, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में 142nd है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 43rd, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 135, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में 20th, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में 2nd, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46th, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 90th और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101st और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 71st। ये हमने कल पढ़ा भी था। 52वें IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मार्टिन स्कॉर्सीज, स्टेवान जाबो, क्रिस्टोफर नोलन, हयायो मियाज़ाकी, सार्जियो लियोन और डेविड फिंचर या क्विंटन टेरेंटिनो को? तो जवाब है इसका मार्टिन स्कॉर्सेस एंड स्टेवान सजाबो। ठीक है, गोवा में आयोजित होने वाले 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जाने माने फिल्म निर्देशन मार्टिन स्कॉर्सेसी और स्टेवान सजाबो को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य की गुफा में घोंगे की एक नई प्रजाति जियोरिसा मावसमेंसिस की खोज की गई? मेघालय, नागालैंड, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? तो जवाब है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, सीएम कॉनराड संगमा वहाँ के सीएम हैं, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, सीएम है नीफू रियो, गवर्नर है आर एन रवि। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, सीएम है एन बीरेन सिंह, गवर्नर है ला गणेशन। एंड अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और सीएम है पेमा खांडू एंड गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के मावसाई गांव में एक चूना पत्थर की गुफा में अंदर गहरे में से एक नई सूक्ष्म घोंगे की प्रजाति पाई गई है। 21 अक्टूबर 2021 को इस प्रजाति की खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने इस खबर को साझा किया। इसके अलावा भारत ने पहली बार मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड का खिताब जीता है। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड का खिताब भारत ने पहली बार जीता है। सुश्री इंटरनेशनल वर्ल्ड ताज का ताज पहनाया गया डॉक्टर अक्षता को। इस अवसर का उपयोग करने पर अपने मंच द इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट को पोषित करने के लिए करेंगी। तो मिस डॉक्टर अक्षता को मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड का पुरस्कार मिला है। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।